बॉलीवुड के प्रख्यात संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी का मुंबई में निधन हो गया है। वे 69 वर्ष के थे। मुंबई के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टर के अनुसार उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की समस्याएं थीं और उन्होंने कल रात अंतिम सांस ली। बप्पी लाहिड़ी बॉलीवुड के पहले ऐसे म्यूजिक प्रोड्यूसर थे जिन्होंने सिंथेसाइज्ड म्यूजिक को प्रचलित किया। बप्पी दा ने भारत में 80 और 90 के दशक में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका अदा की। बप्पी दा को साल 1985 में फिल्म शराबी के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इतना ही नहीं, एक साल में 33 फिल्मों में काम करने पर उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। साइमा खान, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि बप्पी लाहिड़ी का संगीत मंत्रमुग्ध करने वाला है और भावनाओं को बड़ी सुंदरता से व्यक्त करता है।